वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गुलदाउदी को नेक्स्ट सीजन के लिए किस तरह से बचा के रखें इस बारे में जानकारी दूंगी। और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। गुलदाउदी फ्रेंड्स, ये जो गुलदाउदी का पौधा है ये देखिए, इसमें कोई भी नए बर्ड्स नहीं आ रहे हैं। जितने पुराने बर्ड्स थे वो पूरे खिल चुके हैं, देखिए कलियाँ पूरी खिल चुकी हैं। अब इसमें कुछ नए बर्ड्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि अब इसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए हम इसको अब जो ये जिन ब्रांचों में फूल खिले हैं, खिल के मुरझा चुके हैं, उन ब्रांचों को हम कट कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए, इनको हम इधर पर से कट कर देंगे क्योंकि अब ये बेकार हो गए, इनमें कुछ अब फ्लावरिंग नहीं होगी। मेरे और भी प्लांट हैं यहाँ पर, मैंने ये वाला पॉट जो है मैं छाया में रखे रहती हूँ, इसलिए इस पॉट में जितने छोटे छोटे नए शूट्स निकले हैं इनको मैं बचा के रखना चाहती हूँ। इन्हीं से मेरे काफ़ी पौधे तैयार हो जाएंगे, मुझे बाग बहुत सारा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो और दूसरे पॉट में रखे थे वो मैंने सारे फेंक दिए उखाड़ के, उनमें मैंने नए फूलों के पौधे लगा दिए हैं। ये देखिए जो नए नए शूट से निकल रहे हैं, यही जो है इसकी हम कटिंग लगाते हैं, इन्हीं को हम जून में इसकी कटिंग लगेगी। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमने इसको जो इसकी गुड़ाई कर देनी है, देखिए इसकी गुड़ाई कर देनी है। जैसे देखिए आप देख रहे होंगे, अभी मैं पूरा गुड़ाई तो नहीं करूँगी क्योंकि कैमरा काफ़ी हिल रहा है, मेरे दूसरे हाथ में कैमरा है। और इसकी सॉइल जो है इतनी मॉइस्ट रहनी चाहिए जितनी इसमें अभी दिखाई दे रही है आपको, इतनी मॉइस्ट आपने बनाए रखनी है इसकी सॉइल। और आपने एक बात का, और एक मुट्ठी इसमें जो है कंपोस्ट मिला दीजिए, एक बार बस, इस समय एक बार मिला दीजिए आप, और बार बार मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको गुड़ाई करके एक मुट्ठी इसमें कंपोस्ट, काउडन कंपोस्ट या बर्मी जो भी आपके पास है वो मिला दीजिए। एक ही मुट्ठी मिलाइएगा, ज़्यादा नहीं मिलानी है। यदि ज़्यादा मिलाएंगे तो ये पौधे काफ़ी बढ़ जाएंगे, फ्लावरिंग तो इसमें इस समय होगी नहीं, ये पौधे बढ़ेंगे, इनका बढ़ना ठीक नहीं है, बस इनको जीवित रखना है हमने। और गुड़ाई कर देनी है और इसकी मॉइस्चर का ध्यान रखना है, इसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, जैसी इसमें सॉइल है ऐसी बनी रहनी चाहिए। और जो तीसरी जो खास बात है वो ये है कि सनलाइट, इसको हमने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है क्योंकि अप्रैल मई जून में जो है बहुत तेज़ धूप लगती है, उसमें ये पौधा सूख जाता है। यदि हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो हम अपने पॉट को उठा के ऐसी जगह रख दें जहाँ आधे दिन की धूप पड़ती हो या सुबह शाम की पड़ती हो, दोपहर की जो तेज़ धूप है वो नहीं पड़ती हो, ऐसी जगह हमने रख देना है इसकी पॉट को उठा के। यदि आपने ज़मीन में भी लगा रखा है तो आप इसको जो है मिट्टी सहित उखाड़ के किसी शेडी एरिया में गड्ढा बना के उसमें मिट्टी इसको रख के ऊपर से पानी डाल के इसको लगा सकते हैं, ये पौधा जीवित रहेगा तब पर भी। यदि आप उखाड़ना नहीं चाहते, ज़मीनी में वहीं पर रहने देना चाहते हैं, तो आप दोपहर की के समय किसी मोटे दरी से या दरी के बराबर किसी मोटे कपड़े से इसको दोपहर की धूप से बचाना है आपने, और दोपहर में ढक देना है, शाम को उठा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो आप सबसे आसान है, या तो इसको सेट में रख दीजिए या फिर पॉट को उठा के सेट में रख दीजिए, ये बस हमने जीवित रखना है। और फिर जब जून का महीना आएगा, जून में इसकी कटिंग लगती है, जब जून का महीना आएगा तो इसकी कटिंग हम लगाते हैं। ये देखिए जून के महीने में हम ये जो छोटे छोटे इसके नए सूट से निकले हैं ये बड़े हो जाएंगे जून तक, फिर हम इसकी कटिंग लगाते हैं। और ये जो है विंटर सीजन का सबसे पहले खिलने वाला फूल है, विंटर आने से सबसे पहले यही वाला फूल खिलते हैं और ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। बस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।